प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में भरा जोश, बोले पूरी दुनिया को है आपसे उम्मीद। भारत और अमेरिका के प्रस्तावित युद्ध अभ्यास में बौखलाया चीन, कहा द्विपक्षीय मामले में अमेरिका कर रहा हस्तक्षेप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। तीन दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जम्मू के कटरा तक कांपी धरती, भूकंप के झटके किए गए महसूस। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। हापुड़ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 802 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और जिले में बिजली और पेयजल योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। बिजनौर में जानी के चौराहे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के आह्वान पर गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्या के दोषियों को फिर से जेल भेजने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान अभियान में प्रदेश चेयरमैन ने भाजपा की नीतियों को देश के लिए अलगाववादी और देश की जनता को बांटने वाला बताया। उन्होंने बहुत बहादुरी से अपना मुकदमा लड़ा, तब जा करके दोषियों को सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने उनके बलात्कारियों को रिहा कर लिया है, जिससे ये संदेश गया है कि कोई भी अगर बहुत साहस दिखा करके भी बलात्कार जैसे मामलों में दोषियों को सजा दिलवा दे, तब भी उन दोषियों को सरकार रिहा कर सकती है, इससे समाज में बहुत गलत संदेश। गोंडा में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 15 लाख की फिरौती मांगने के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत ने स्वयं एसपी आकाश तोमर से मिलकर धन्यवाद दिया है। वहीं पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गाजीपुर के तटवर्ती इलाके में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें, गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। खतरे के निशान से महज कुछ ही दूरी पर, ऐसे में बाढ़ की आशंका से तटवर्ती इलाकों में लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि धौलपुर और माताटीला डैम से करीब 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। धौलपुर से 18 लाख क्यूसेक पानी और 4 लाख क्यूसेक पानी माताटीला से छोड़ा गया है, और 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का मतलब ये हुआ कि अब जो फ्लड लेवल है वो वाटर शीट कर जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हुए हमने अपने पूरे जनपद में अलर्ट घोषित कर रखा है, और कल से हम और हमारे सारे अधिकारी विजिलेंट हैं, और जो गंगा नदी के किनारे वाले गाँव हैं उन गांवों में आज हम सबको सूचित करा रहे हैं कि आज रात में या कल सुबह तक जलस्तर बढ़ जाएगा, और जो ऐसे गांव, ऐसे घर जो गंगा नदी की तलहटी में हैं या बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं, उन घरों में पानी जाने की पूर्ण संभावना है। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद परिसर में प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को जयमाला डालकर निकाह किया। जानकारी के मुताबिक युवक ने युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके साथ युवक ने शादी का वादा कर युवती को धोखा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की थी। फिलहाल युवती के परिजनों ने खुशी खुशी विदाई की। अच्छा, दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। कोई किसी का जोर दबाव? कोई किसी का जोर दबाव नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप बिल्कुल साथ साथ रहेंगे? जी। अच्छा, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से, घर वालों की मर्जी से। अच्छा, घर वालों की मर्जी से करी है। कोई किसी का कैसा ही दबाव नहीं?
कोई जोर नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप अपनी इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारोगी। किन के साथ शादी करी है? आरिफ। आरिफ पूरा नाम? आरिफ सैफी। आरिफ सैफी। संभल के थाना असमोली बिलालपथ में राशन की दुकान के प्रस्ताव को लेकर धानलेबाजी चल रही है, जिसको लेकर काफी तादाद में महिलाएं और ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक राशन की दुकान के प्रस्ताव में धानलेबाजी करने का एसडीओ पंचायत और प्रधान पर फर्जी प्रस्ताव कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मोहम्मद इस्माइल है, मैं ग्राम पंचायत बिलालपथ का रहने वाला हूँ। आज हमारे गांव में राशन डीलर के रिक्त था, हमारे गांव में जो राशन डीलर की दुकान रिक्त थी उसके बारे में प्रस्ताव होना था। आज वहां पर इतनी धांधली हुई है और वहां पर जो प्रधान ने हम जबरदस्ती अपनी मनमानी करके वहां पर अपनी मनमानी करके ताला लगवा दिया था गेट पर, और हमारे जो दूसरे थे राशन डीलर की दुकान में हम जो थे उनको अंदर नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया। बिलालपथ में आज प्रस्ताव रखा गया था एक बजे का, जिसमें जेंट्सों का रखा गया था और लेडीजों का रखा नहीं गया था। तो दूसरे प्रधान ने क्या किया कि हमारे अपनी लेडीजें बुला ली और बोले कि एडीओ पंचायत ने ये कह दिया कि तुम अपनी लेडीजों को बुला लाओ। ये आदमी जो लेडीजों को बुलाने के लिए 20 आदमी निकल गए। अब 20 आदमी जो निकल गए, फिर हम जो लेडीजें पहुँचे हुआ तो उन्होंने कमर प्रधान ने जो बिलालपथ में इस टाइम मौजूद कहा है, तो उन्होंने ये किया कि गेट बंद करवा दिया, ताला लगवा दिया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज नगर पंचायत में मंदिर चौराहे के पास पर जर्जर अवस्था में खड़ा बिजली का पोल अचानक दो लोगों पर गिर गया। बिजली के पोल गिरने से दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पास मौजूद लोगों ने उन्हें आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमा में भर्ती कराया, जहाँ हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उन्हें KGMC लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। मरीजों के हालत गंभीर थी, प्राथमिक उपचार किया गया इनका और प्राथमिक उपचार करने के बाद ये जिला अस्पताल बस्ती लखनऊ हायर सेंटर के लिए हमें स्थिति कैसी है, स्थिति थोड़ा गंभीर है। कहाँ कहाँ चोटें आई इनको? चोट इनका दोनों का सीने पर लगा। मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र के ग्राम नगलातार में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते हत्या की गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वो रमेश से दोस्ती उसने की और दोस्ती करने के बाद उसके लड़के से अवैध संबंध हो गए। जब अवैध संबंध हो गए, धीरे धीरे करके पूरे गांव में चर्चा हुई, क्षेत्र में चर्चा हुई इस बात की, तो हमारे परिवार का परिवार के नाते हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। तो बहिष्कार करने में दुर्गेश ने थोड़ा बहिष्कार ज़्यादा कर दिया विरोध, तो दुर्गेश से गहरी रंजिश मार कर दुर्गेश को मटक। भोगाव थाना अंतर्गत नगला तार में दुर्गेश यादव नाम का लड़का गांव के ही रमेश यादव के घर में रात में घुस गया। परिजनों द्वारा उसको घेर करके लाठी डंडों से मारा गया। गंभीर हालत में उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना भोगाव द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के चाचा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी चाचा फरार है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी गौस मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।